नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि फ्राइडे का मार्केट कैसा था और कल का मार्केट कैसा हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा हमने फ्राइडे के दिन के एनालिसिस के लिए फ्राइडे के दिन के एनालिसिस के लिए हमने बात करी थी कि चांसेस आर वेरी हाई कि सिंस 3-4 दिन से लगातार एक बेरिश कैंडल बनती जा रही है, तो क्योंकि इतने दिन से नीचे साइड का मूव आ रहा है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। और वैसा ही कुछ कुछ मार्केट में हुआ, साइडवेज टू जो बुलिश मार्केट है हमको देखने को मिला यहाँ पर। मार्केट पहले ओपन हुआ, फिर नीचे साइड पर गया, फिर उसने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई ऊपर साइड के लिए, ठीक है। तो एक चीज अब यहाँ पे समझ में आ गई है कि जैसा हमने सोचा था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अब अगर एक नए लेवल्स पर मान लीजिए फिर से अब मार्केट में एक सेलिंग शुरू होके इस स्विंग को नीचे साइड पे क्रॉस करता है तो यहाँ पर आपको फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो फ्रेश सेलिंग से मैंने उस दिन भी आपको बताया था ये चीज कि फ्रेश सेलिंग मतलब क्या होता है। फ्रेश सेलिंग मतलब कि जो जिस व्यक्ति ने यहाँ पर सेल किया है, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर सेल किया है, इन जगहों पर सेल किया है, वो चाहेंगे अपना प्रॉफिट बुक करना, ठीक है। अब जब एक नया सेलिंग मूव आएगा तब एक नए फ्रेश सेलर, एक नए सेलर अंदर जुड़ेंगे उस पर्टिकुलर मूव में, और फिर उसमें जो मोमेंटम आएगा वो फ्रेश मोमेंटम होगा, एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप अगर इस जगह पर आपने सेलिंग करा होता, सेल किया होता, तो आपको केवल इतना ही मोमेंटम मिला होता, राइट। अब आपने अगर यहां पर सेल किया होता तो आपने इतना मोमेंटम मिला होता। तो जिस व्यक्ति ने इन अपर लेवल्स पे सेल किया है वो अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचेगा और जो मोमेंटम है वो छोटा हो जाता है इस वक्त पे। तो अब अगर मार्केट, अब चूंकि एक यहां पर कैच ये भी आ रहा है कि ये जो बुलिश कैंडल बनाई है मार्केट ने, ये बनाई है बुलिश हैमर कैंडल बनाई है, ठीक है। ये जो बुलिश कैंडल है ये हैमर कैंडल यहां पर मार्केट ने बनाया है। तो अब यहां पर हालांकि इतनी परफेक्ट हैमर नहीं है क्योंकि ऊपर साइड पर यहां पर विक दिखाई दे रहा है यहां पर, बट एक मैं ये कह सकता हूं कि हमें ये देखना पड़ेगा जब तक कि मार्केट नीचे साइड का ये स्विंग क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें कोई एक पर्टिकुलर सेलिंग साइड पे मूव, बड़ा मूव देखने को नहीं मिल सकता। अब आप कहेंगे सर अगर ऊपर साइड पर कुछ होता है तो ऊपर साइड के लिए क्या हम करते हैं, हम चलते हैं 1 आवर चार्ट में, ठीक है। पहले हम निफ्टी का देखेंगे और बाद में बेशक हम इसका बैंक निफ्टी का भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं 1 आवर चार्ट में आ चुका हूं तो यहां पर इस जगह पर निफ्टी ने एक बुलिश मोमेंटम देके क्लोज किया है, राइट। यहां पर मैंने एक छोटी सी ये सॉर्ट ऑफ एक ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ठीक है, यहां पर ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने। तो अगर मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर साइड पर जाने का कोशिश भी करता है, ठीक है, तो इमीडिएटली उसको ये 15,800 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे ही 15,800 का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो ऊपर साइड की रेंज क्या हो जाती है, रेंज यहां पर बहुत शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, रेंज बहुत शॉर्ट हो गई। अब दूसरा केस क्या होता है कि नीचे साइड पर अगर ये पर्टिकुलर निफ्टी ब्रेक करता है तो नीचे साइड पर जो लेवल्स है मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे 15,650 के नीचे साइड पर अगर मार्केट मूव होता है, मार्केट ट्रेवल करता है नीचे साइड पर अभी आप, और इसमें एक और ये भी कैच है कि सबसे बेस्ट प्लेस क्या होगी हमें एक बड़ा मोमेंटम मिलने के लिए कि मार्केट क्या करे कि अगर सपोज ये जो एक रेंज है, ये एक रेंज, ठीक है, इसमें थोड़ा नीचे साइड पर ओपन हो मार्केट, मान लीजिए 15,600 के आसपास ओपन हुआ और फिर नीचे साइड पर मोमेंटम दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा गैप अप खुल के अगर नीचे साइड पर मोमेंटम देता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम पे मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है, अब आपको ये चीज हर एक चीज के पीछे लॉजिक समझने की जरूरत है कि जब भी अगर हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि एक पहला कि जब भी आप एनालिसिस करें तो एक थोड़ा डिटेल एनालिसिस करके रखें और हर सिचुएशन का एनालिसिस करें, ठीक है। आपका बायस एक साइड पे होना चाहिए कि मेरा बायस है, सपोज मैं बुलिश बायस्ड है मेरा या बेरिश बायस्ड है, तो बायस होने से क्या होगा कि अगर मार्केट आपके पर्टिकुलर बायस के हिसाब से चल रहा है तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके बायस के, आपके एनालिसिस के अगेंस्ट मार्केट जा रहा है तो आप वहां पर शांति से बैठेंगे, देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, अननेसेसरी ट्रेड लेने से आप बचेंगे, ठीक है। तो जो कि हम इतने टाइम से कह भी रहे हैं कि जब तक आप श्योर ना हो तब तक कोई एक ट्रेड ना लीजिए,
और अगर श्योर है तो ही एक ट्रेड लेना है। अब मान लीजिए कि मार्केट ने सपोज एक गैप अप ओपन दे दिया, बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन देता है तो ऊपर साइड पे तो रेजिस्टेंस हिट करेगा, ठीक है, नीचे साइड पर जो इमीडिएटली क्लोजिंग है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा। बट चूंकि डोमिनेटिंग मूव क्या है यहां पर, बेरिश मूव रहा है, तो मार्केट थोड़ा यहां पर स्ट्रगल करके फिर नीचे साइड पर आएगा। तो अगर फ्लैट भी ओपन करता मार्केट तो उसको ये स्विंग क्रॉस करने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 15,730 से 15,650, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव यहां पर उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक ही दिन में मार्केट 100 पॉइंट का मूव नीचे साइड पर ट्रेवल कर रहा है तो फिर क्या करेगा, ये इस जगह पर सपोर्ट लेना शुरू करेगा, फिर बाद में वापस नीचे साइड पर ड्रॉप हो सकता है। तो अच्छा एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि कल के में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन दे और थोड़ा यहाँ पर टाइम बिताकर नीचे साइड पर ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर साइन हो सकता है आपके लिए ट्रेड लेना बेरिश साइड पर। ऊपर साइड पर मैं अभी, मेरा थोड़ा बायस नहीं है क्योंकि ऊपर साइड पर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, 15,800 जो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, जो चार्ट पर वो अपने को ओआई पर भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऐसे ही बैंक निफ्टी की तरफ जाता हूं, वहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम हुआ। अगर मैं डेली चार्ट पर देखता हूं तो डेली चार्ट पर वही 3-4 दिन का नेगेटिव कैंडल, एक प्रॉफिट बुकिंग आया यहां पर। चलिए फिर फटाक ये अपन आवर्ली, अगर मैं आवर्ली चार्ट पर देखता हूं बैंक निफ्टी के भी, तो अगर यहां पर देखें आप कि ये बैंक निफ्टी जो है इतने दो दिन से ये इस पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए अब यहां पर चीजें और आसान हो जाती है, जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा रहे तो आपके लिए चीजें और इसलिए आसान हो जाती हैं कि आपको केवल ये देखना है कि भैया ये किस साइड ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे साइड पे दे रहा है या ऊपर साइड पे दे रहा है। क्योंकि जब भी एक पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद जो मोमेंटम आता है वो बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है। जैसे आप ये देखिए कि यहां पर एक रेंज में फंसा रहा, फिर मार्केट ने क्या किया कि नीचे साइड पर, हालांकि यहां पर थोड़ा सा वॉलिटिलिटी रही मार्केट में, पर नीचे साइड पर ब्रेक होके एक अच्छा मूव दिया हमको, ठीक है। तो इस बार क्या होता कि अगर यहां पर आपने एक सपोर्ट एक रेंज बना लिया होता मार्केट का, तो आपका एक बार एक SL हिट होता और उसके बाद आपको जो ट्रेड मिलता वो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था। क्योंकि अभी आपने काफी दिन से देख भी रहे होंगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, स्पाइक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम श्रिंक आउट हुए हैं उस वजह से आ रहा है, और कई हर व्यक्ति के अपने अपने रीजन है। तो उन पर्टिकुलर रीजन में ना पड़ते हुए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो रेंज है इसको मार्केट अगर जिस साइड भी ब्रेक करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। और ऊपर साइड पे फिर से मैं आपको इसमें बैंक निफ्टी भी कह रहा हूँ कि 35,000 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है। तो ऊपर साइड के लिए तो मैं ब्रेकआउट नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर ऊपर साइड पर होता भी है तो मैं क्या उतनी कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं ट्रेड के लिए तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो बेट साइज है मैं उसको बहुत कम कर लूंगा, ठीक है। और अगर नीचे साइड पे ट्रेड जाता है तो नीचे साइड पे मोमेंटम करने के लिए इसको बहुत अच्छा स्पेस है। जैसे मैं अगर यहां पर आपको बताता हूं, ये देखिए, अगर यहां पर नीचे साइड पर मोमेंटम करता है तो जैसे ही ये वाला स्विंग नीचे साइड पर ब्रेक करेगा तो फिर इसके पास 34,000 का जो लेवल है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है, इमीडिएट सपोर्ट आता है हाथ में, ठीक है। चलिए इसी के साथ बैंक निफ्टी एंट्री दोनों हम समझ गए कि नीचे का जब तक स्विंग क्रॉस नहीं करता है नीचे साइड पे हमें ट्रेड नहीं लेना। मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, निफ्टी में बुलिश हैमर बना है तो एक बार दोनों ही जगहों पर हमें क्या है कि मार्केट को डिसाइड करने देना है कि वो किस साइड जाना चाह रहा। हमने क्या सोचा था कि मार्केट एक 3 दिन से नीचे साइड का मूव दे रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अब ये पर्टिकुलर जो प्रॉफिट बुकिंग आया है इस जगह पर या थोड़ा नीचे साइड पे विक भी है इसकी, तो जब तक ये इस पर्टिकुलर स्विंग को नीचे साइड पे क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं कोई इसमें पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले सकता हूं अभी के लिए, तो ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ओआई में क्या कामकाज हुआ है। तो फ्राइडे के दिन अगर मैं यहां पर देखूं तो निफ्टी की अगर बात करी जाए तो काफी कुछ तो काफी बहुत सारा तो कॉल राइटिंग हुआ ही है, ठीक है, साथ ही साथ कुछ पुट राइटिंग भी हुआ है। जो कि मेजरली जो हुआ है वो हुआ है 15,600 के लेवल्स पर कॉल जो पुट राइटिंग हुआ है। बट अगर मैं यहां पर ओवरऑल ओआई देखता हूं, ठीक है, अगर मैं ओवरऑल ओआई देखता हूं अपने इसकी इस पूरे वीक की, अगर मैं ओवरऑल ओआई यहां पर देखता हूं तो जो
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, रियली सॉरी। तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है 15,800, जो कि मैंने आपको चार्ट पे भी कहा था कि ओआई में चार्ट के, जब हम चार्ट पर हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने कहा था आपको 15,800 जो है वो एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ओआई के ऊपर। नीचे साइड पर अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो रेजिस्टेंस के मुकाबले सपोर्ट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हाँ यहाँ पर जो तीन अच्छे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो तो एक तो है 700 पर, 15,700, ए 600 पर है और 500 पर है, ठीक है। बट अगर मैं 15,800 के मुकाबले बात करता हूं तो यहां पर मुझे उतने अच्छे सपोर्ट यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। 700 पर तो कॉल राइटिंग भी है और पुट राइटिंग भी है, ठीक है, तो वहां पर चल रही है फाइट कि किस जगह पर ये चीज मूव होनी चाहिए। तो करंटली अगर मैं हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन देखता हूं, पूरी अगर ऑप्शन चेन यहां पर ओआई देखता हूं यहाँ पूरे वीक का, तो मुझे यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर बेरिशनेस दिखाई देती है, नीचे साइड पर बेरिशनेस दिखाई दे रही है। वहीं अगर मैं FIA DIA डेटा की बात करता हूँ तो कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी हुई है, उन्होंने कॉल भी अनवाइंड करे हैं और पुट्स भी अनवाइंड करे हैं, दोनों इक्वल क्वांटिटी में। बट अगर मैं मंथली डेटा देखता हूँ, मंथली डेटा की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मंथली डेटा में अभी भी पुट जो है वो ज्यादा हैं, उनके पास पुट जो खरीदे गए हैं वो ज्यादा हैं और जो कॉल्स खरीदे गए हैं वो कम हैं। तो इस जगह को देखकर भी मैं यहाँ पर न्यूट्रल टू बेरिश एक अपना व्यू बना सकता हूँ उनका। बेरिश थोड़ा ज्यादा लग रहा है, न्यूट्रल उतना मुझे नहीं लग रहा है। तो और क्योंकि इंडेक्स में भी उन्होंने 100 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करी है, ठीक है, सेलिंग ना करते हो, बट 100 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है जैसा कि हमने पिछले टाइम में जो नंबर्स देखे हैं जो 1500-1600 करोड़ के होते थे, वो 100 करोड़ उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे स्लाइटली बेरिश टू न्यूट्रल साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक बार हम अपना वर्डिक्ट देख लेते हैं कि चार्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो चार्ट में मुझे बेरिशनेस दिखाई दे रही है अभी के लिए, तो जब तक कि स्विंग ऊपर साइड पर क्रॉस नहीं करता है, 15,800 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, या फिर बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,000 का लेवल ऊपर साइड पर क्रॉस नहीं करता, तब तक कि हमें बेरिशनेस दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं ओआई की बात करता हूं तो कॉल्स बहुत ज्यादा है पुट के मुकाबले, तो फिर से यहां पर बेरिशनेस है। PCR 0.8 है, बेरिश है। FIA डेटा की बात करता हूं तो न्यूट्रल टू बेरिश यहां पर दिखाई मुझे दे रहा है। वर्डिक्ट हमें मार्केट को डिसाइड करने देना है कि मार्केट को कहां जाना है। मार्केट को अपने आप मत प्रिडिक्ट करिए कि मार्केट कहां जाने वाला, ठीक है। मार्केट को आपको बताने दीजिए कि बॉस मैं इस साइड जा रहा हूं, ठीक है। अब आपके हाथ में है कि अगर वो आपके सोचे हुए, आपके जो बायस्ड, आपका जो पर्टिकुलर एनालिसिस है उसके साथ मूव कर रहा है तो आप उसमें ट्रेड लेंगे, और अगर आप के एनालिसिस के अगेंस्ट जा रहा है तो आप उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, या अगर आपको लेना है तो आप अपना बेट साइज है, जो आप क्वांटिटी है वो अपनी काफी कम कर देंगे, ताकि जब आप लूज करें तो कम लूज करें, और अगर जब आप गेन करें तो ज्यादा गेन करें, ठीक है। इसी के साथ अगर ट्रेड की बात करी जाए तो जब 15,650 नीचे साइड पे क्रॉस होता है तो हम वहां पर एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। 500 तक हमें टारगेट मिल सकता है, लॉन्ग टर्म की बात करी जाए, मैं लॉन्ग टर्म मतलब इस वीक में बात करी जाए, इस वीक में मिल सकता है। इंट्राडे तो पता नहीं मिले ना मिले, मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, ठीक है। ऊपर साइड पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है 15,800। बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो 34,000 तक भी आ सकता है अगर क्रॉस करता है हमारा जो स्विंग है, ये जो फ्राइडे का स्विंग है उसको नीचे साइड पर क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छे लेवल्स नीचे साइड पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जब जितना आप लाइक करेंगे उतना ये दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, जितना आप कमेंट करेंगे उतना ये दूसरे लोगों तक पहुंचेगा, दूसरों के रिकमेंडेशंस में इस वीडियो को दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या लगता है और पर्टिकुलर मार्केट के बारे में, आपको क्या लगता है कहां पर जा सकता है, आपका एनालिसिस क्या है, और इसी से जो कम्युनिटी हमारी, जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसको भी इस चीज से हेल्प होगी, इस आपके आपके किसी पर्टिकुलर कमेंट से किसी के डाउट सॉल्व होंगे, किसी को अपना ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो कमेंट में आप बताइए कि आपको क्या लगता है मार्केट के बारे में। तो इसी के साथ मैं सागर कुमार आपसे इजाजत चाहता हूं, और अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करना है हमेशा की तरह, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, हेज के साथ ट्रेड करना है, और हाँ जब तक श्योर नहीं है तब तक ट्रेड नहीं करना है। अगर आप श्योर हैं तो बिंदास ट्रेड करिए, जाता है तो क्या होगा, एक SL जाएगा ज्यादा से ज्यादा, अगर आप श्योर नहीं है तो उस SL को भी बचा लीजिए, ठीक है। और इसी के साथ हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय बाय।